सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज कार्तिक और नायरा का आमना सामना होते होते रह गया और दोनों की नजरें मिलते मिलते रह गईं। जी हाँ, एक ही छत के नीचे आज कार्तिक और नायरा मौजूद हैं, लेकिन दोनों पास होकर भी एक दूसरे से दूर हैं। अब ये तो आप सब अच्छे से जानते ही हैं कि गोवा में रखा गया है एग्जीबिशन, जहाँ कार्तिक वेदिका ने भी अपना गिफ्ट स्टॉल लगाया हुआ है और कार्तिक वेदिका के स्टॉल के ठीक बगल में नायरा और लीजा ने भी अपना केक स्टॉल लगाया है। अब लीजा टहरी आदत से मशहूर हैंडसम हंग कार्तिक का जादू लीजा के दिल पर भी चल जाता है। लीजा नायरा को उस हैंडसम मैन को देखने के लिए कहती है, लेकिन शायद किस्मत को भी मंजूर नहीं है कि कार्तिक और नायरा इतनी जल्दी मिल जाए। तभी तो लीजा के बार बार कहने के बावजूद भी नायरा कार्तिक की तरफ नजरे उठा कर नहीं देखती। जी, पर्दे के कार्तिक और वेदिका पर्दे के उस पार साथ में है, नायरा इस पार है, बट हाँ कार्तिक और नायरा काफी टाइम बाद एक फ्रेम में देखने को मिलेंगे। गोवा में पुराने रिश्ते अनजाने में मिल रहे हैं तो नए रिश्तों की शुरुआत भी हो रही है। अब ये तो हम जानते ही हैं कि वेदिका कार्तिक को चाहने लगी हैं और कार्तिक की बेरुखी वेदिका को चुभती है, इसलिए वेदिका ने कार्तिक की तरफ अब दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जिसे कार्तिक ने भी मंजूर किया है। सेटिंग करवा रही है ना दादी मेरी, लेकिन ये सेटिंग अभी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। यहाँ पर जहाँ इतने चार सालों से जो जो ऑकवर्डनेस थी वो कहीं ना कहीं अभी कम हुई है, क्योंकि सूत्रधार हो गया कर कर कर। सो बेसिकली गोवा की एक अच्छी चीज़ ये हुई है फॉर वेदिका कि वेदिका जैसे हमेशा उसे पसंद करती है कार्तिक को एज अ पर्सन, उसको बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह से वो नायरा को इतनी इंपॉर्टेंस इतना प्यार करता है अपनी लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं ये समझ चुकी है दैट यू नो वो जगह वो शायद नहीं ले सकती है उसकी लाइफ में। तो वो गोवा में आके वो कार्तिक को ये बोलते हुए सुनती है कि वो कहता है कि वो नहीं ले सकती है, तो उसको कहती है कि एटलीस्ट हम फ्रेंड्स तो बन सकते हैं तुम, ताकि हमारे बीच की जो ऑकवर्डनेस है वो दूर हो जाए एंड यू नो हम आराम से बात कर सकें, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें। सो देन कार्तिक भी एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहाँ से दी स्टार्ट दादी कहीं खो गई है, दादी को पता नहीं किसके साथ भाग गई या कोई उठा के ले गया, तो उतने में हम सब ढूंढ रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा क्या है। एक तरफ नायरा कहीं पे फंसी, एक तरफ कायरव, एक तरफ कार्तिक, ये गए हैं गाड़ी लेने, दादी कहीं फंस गई है, तो सिचुएशन एंड देखते हैं फिर आगे क्या होता है। इसी बीच अचानक बॉम्ब की खबर से पूरी एग्जीबिशन में अफरा तफरी मच जाती है। भीड़ में दादी गायब हो जाती हैं तो कायरव भी नायरा से अलग हो जाते हैं। वैसे खुशी की बात तो ये है कि इस एग्जीबिशन में दादी और परपोते का मिलन भी होगा। बच्चे ने हमें चोर बना दिया, आप क्या चोर दिखते हैं? सोच लीजिए जब घर में आएगा वो शैतान तो क्या होगा, देखो इसका इसका बचपन तो हमने देखा है तो वही होगा फिर से। तो यस, दादी को बच्चा चोर बना दिया है और वैसे ही कुछ प्यारा सा इनका सीन है, उसके बीच में हिट एंड मिस चल रहा है, कार्तिक नायरा एक दूसरे को नहीं देख पा रहे और एक डोनट जो ये लाते हैं नायरा से, आई गेस शी मेट नायरा और शी मेट चीमर से मेट लीजा, तो ऐसी कोई थी लेडी, तो डोनट वो खाया है उन्होंने और जैसे डोनट खाया तो उन्हें नायरा की याद आ गई है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो नायरा ने ही शायद बनाया होगा, और दादी फिर बहुत चिल्लाती है। क्या कहती है दादी? मैं कहती हूँ कि नायरा इस दुनिया में अब नहीं है, ये केक नायरा ने नहीं बनाया है, वेदिका प्यार करती है तुमसे, उसकी तरफ देखो। पर ये दादी और परपोते का मिलन हुआ, लेकिन जिन्हें मिलना चाहिए था वो मिलकर भी नहीं मिल पाए। एक पर्दे ने नायरा और कार्तिक को मिलने नहीं दिया। इस बारे में क्या कहना है नायरा का, सुनिए जरा। जी हाँ, आजू बाजू लोग होते हैं लेकिन इस फिलहाल इस मोमेंट में कोई दूसरे मिलने के लिए दोनों का एहसास होता है कि कार्तिक को लगता है कि नायरा है आसपास, नायरा को लगता है कि कार्तिक है आसपास, लेकिन जब भी वो देखते हैं जब भी कार्तिक देखने लगते हैं तब उन्हें नायरा नहीं दिखती है, और नायरा मतलब उनकी तरफ बढ़ रही होती है कार्तिक की तरफ, लेकिन फिर उसे फिर वो ये चीज़ सोचती है कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, मतलब कार्तिक नहीं हो सकता कोई और होगा शायद, तो फिर वो वहाँ से अजीब से मुड़ गया वहाँ से चला। बट कहीं नहीं कार्तिक यहाँ एक दूसरे के इतने पास होकर भी नायरा और कार्तिक के बीच मीलों की दूरियां हैं,
कायरव अपने पापा के साथ साथ परदादी से भी मिल चुका है, लेकिन ये मिलन तब तक अधूरा है जब तक दादी और कार्तिक दोनों ही कार्तिक के सच्चे अनजान हैं। और हाँ, अभी कार्तिक और नायरा का मिलन भी तो होना है ना। ऐसे में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि गोवा शहर कार्तिक नायरा की जिंदगी के कौन से मोड़ का गवाह बनेगा। मुंबई से जारा खान के साथ शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट, E24।